तदरीसी मुआवनातलबा आज हमारा गुफ्तु का महवरी नुकता रहेगा जदीद समरी समावना हमने पहले बात की थी समरी और बसरी मुआवनात के हवाले से आज हम उसमें थोड़ा सा इजाफा करेंगे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जदीद समय बसरी मुआवनात से हमारी मुराद क्या है फिर उसके बाद हम ये बताएंगे और देखेंगे कि हम इसे या इन मुआवनात को समीर और बसरी मुआवन से अलग क्यों पढ़ते हैं या क्यों पढ़ाना चाहते हैं पहली बात तो यह है कि जदीद समीब-बसरी समावना से मुराद क्या है वो जदीद जराए और अशिया जो दरअसल रिवायती समय बसरी मुआवनात की तोसी सूरत है एक्सटेंशन है जो उन्हें हम जदीद समय बसरी मुआवनात कहते हैं इनकी मुखलिफ सूरतें क्या क्या हो सकती हैं यह देख लेते हैं पहली सूरत तो है प्रोजेक्टर अब ये प्रोजेक्टर पहले भी यूज होता रहा लेकिन आज इसकी मुख्तसर सूरत ने हमें इस काबिल कर दिया है कि हम अपने क्लासरूम्स में इसके थ्रू अपनी प्रेजेंटेशंस को अपने समझाने के अमल को बेहतर कर सकते हैं इसी तरह से एक और नई चीज जो जाहिर है कि बीसवीं सदी के अविर ही की देन है उसे हम कंप्यूटर कहते हैं कंप्यूटर ने हमारी जिंदगी को जहाँ बहुत ज्यादा आसान कर दिया है वहां पर हमारे तालीमी अमल को भी बहुत ज्यादा बदल के रख दिया अब हम वो बहुत से काम कर सकते हैं जो पहले नहीं कर सकते थे और कंप्यूटर ने ही अजीज तलबा मॉडर्न एवी एड्स में हमें बहुत सी नई एड्स भी दी हैं मिसाल के तौर पे इंटरनेट वो जरिया जिसके थ्रू अब आपके लिए मालूम हासिल करना बहुत आसान हो गया दुनिया भर की मालूम अब आपके पास आपके क्लिक पर मौजूद है डिपेंड्स और प्रोवाइडेड कि आप इंटरनेट का बेहतर यूज कितना जानते हैं फिर इसी तरह से कंप्यूटर ही की एक और देन है जिसे हम लोग डीवीडी प्लेयर कहते हैं सी डी प्लेयर कहते हैं जाहिर है कंप्यूटर में सी और डी का इस्तेमाल हुआ तो उसके बाद उसकी इख्तसारी या मुख्तर शक्ल डी वी डी प्लेयर्स की सूरत में हमारे सामने आ गई और इसी तरह से उसकी मजदीद मुख्तर सूरत जब हुई तो वो आज हमारे सामने एम पी थ्री प्लेयर्स की सूरत में है या इसी तरह से एम पी फोर भी यूज होते हैं अब हम देखते हैं कि इन जदीद समय या बसरी मुआवनात की अहमियत क्या है और इनका अलग से पढ़ने का जवाब क्या है हम इन्हें कॉमन के साथ कॉमन एवियट्स के साथ क्यों नहीं पढ़े पढ़ सकते या हमने इसे उस तक शामिल क्यों नहीं किया तो पहली बात तो यह है अजीज़ तलबा कि यह एक जदीद जरिया है ये तमाम के तमाम तर जराए जदीद जराए हैं और हमें इनके इन्हें इसलिए अलग पढ़ने की जरूरत है कि हम बेहतर अंदाज में इनमें स्पेशलाइज कर सकें अदरवाइज हम उन्हीं रिवायती अंदाज या रिवायती कार के साथ या रिवायती सोर्सेज के साथ हम इन्हें खल्त मल्त करके इनके मानी व मफाहिम को या इनकी अहमियत को ज़ायल भी कर सकते हैं दूसरी बात की है कि हमारे यहाँ अभी तक इनका बहुत महदूद इस्तेमाल है हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुछ स्कूल में कुछ इदारों में तालीमी इदारों में लेकिन अभी इसका इस्तेमाल बहुत कम है लिहाजा हम इसे अलग से पढ़ेंगे आप जो कल के अस्ता आप इन्हें जानेंगे अलग से तो आप बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे फिर यह है कि नस्ल नौ के लिए ये नाकबले फरामोश है आज के दौर में कोई भी उस्ताद उस सक तक मुकम्मल तौर पर वेल इक्विप्ड नहीं हो सकता जब तक वो इन मॉडर्न एविएट से आशना नहीं है फिर ये है कि मवाद की जमा अवरी का बेहतरीन जरिया है ये क्योंकि हम लोग कैसेट्स में लिमिटेड लेवल की स्टोरेज कर सकते थे लेकिन आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने हमें इस काबिल कर दिया कि हम वसी पैमाने पर मालूम को जमा कर सकते हैं हम जहत मालूम की फरहमी इससे होती है क्योंकि जैसा मैंने कहा था अभी कि इंटरनेट के, के थ्रू पूरी दुनिया आपके सामने खुली है पूरी दुनिया का इलम आपके सामने खुला है फिर है तस्वीर साजी और खाका साजी में मुआवन हमने कहा था पहले अपने किसी लेक्चर में कि बच्चों को सिखाने के लिए तस्वीरें बनानी चाहिए इस सा खाके बनानी चाहिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने पेंट के थ्रू और अपने मुख्तु प्रोग्राम्स के थ्रू हमारे लिए मुमकिन बना दिया है कि हम खाके और तस्वीर बेहतर अंदाज़ में अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं सो बाय एंड लार्ज अगर हम लोग जदीद समय और बसरी मावनात का इस्तेमाल करें तो हम रिवायती तरीकों के मुकाबले में अपने बच्चों को ज़्यादा वेराइटियस अंदाज में तालीम दे सकते हैं जो मौसर भी होगी बेहतर भी होगी और जदीद तकों के एन भी होगी